नमस्कार दोस्तों, उज्ज्वल टिप्स एंड ट्रिक्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक नए नॉलेज साथ फिर से हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आज मेरे पास एक इंटेक्स का होम थिएटर आया हुआ है और इसमें प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, तो आप देख लीजिए। ये मैंने लाइन दिया दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये जो है लाइन तो आ गया दोस्तों, मगर जैसे ब्लूटूथ मोड करते हैं, क्योंकि दोस्तों आज की डेट में हर कोई ब्लूटूथ से ही यूज करता है दोस्तों, कैडर वगैरह तो नहीं लगाता है। तो ब्लूटूथ जैसे मोड करते हैं दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, इसका लाइट ऑफ हो जाता है पूरा, उसका फ्लैक्चुएट करने लगता है। अब देख लो दोस्तों, देखिए दोस्तों, बस देख रहे हैं, देखिए ये जो है, देखिए दोस्तों ऊपर नीचे कर रहा है, इसका लाइट ये पूरा मतलब ऑफ मतलब कम हो गया दोस्तों, पैनल का लाइट जो दोस्तों ये कम हो गया, बस इसमें यही प्रॉब्लम है दोस्तों। इसका दोस्तों हम तो चेक कर चुके हैं दोस्तों, इसमें क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि इसका जो मतलब पैनल है दोस्तों, जो किट रहता है थोड़ा सा छोटा सा दोस्तों, उसका आईसी जो मेन आईसी रहता है दोस्तों, जो कि ब्लूटूथ रहता है, उसमें ऑडियो आउटपुट रहता है, इनपुट रहता है, तो वो आपका वही आईसी खराब है दोस्तों, शॉर्ट हो गया है। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों इसको कैसे ठीक, देखिए दोस्तों, देखिए कुछ फटाफट आवाज़ आ रहा है, आपको पता चल ही गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों आप इसको कैसे ठीक करेंगे, तो वीडियो पर बने रहें, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है दोस्तों। तो इसको पैनल को पैनल को ओपन करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि क्या करें। तो दोस्तों देखिए, ये पैनल मैंने खोल दिया दोस्तों, अब क्या करना दोस्तों, इसका पैनल तो दोस्तों ये जो इस जगह दोस्तों, इस जगह ये जो पैनल है दोस्तों, इस जगह और इस जगह इसका कनेक्शन है दोस्तों, इसका आगे का जो पैनल है दोस्तों, इसका कनेक्शन है दोस्तों। इसको फाइनली हम चेक कर चुके हैं दोस्तों, खोल के भी चेक कर चुके हैं, जो कि आईसी ख़राब था और आईसी मार्केट में उपलब्ध नहीं था। तो इसका जगह हम क्या करें दोस्तों, ताकि आपका ब्लूटूथ एकदम अच्छा से काम करे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो सबसे फर्स्ट दोस्तों, ये जो है दोस्तों, ये आपको किट जो है दोस्तों मार्केट में अवेलेबल है, आप कोई भी मतलब जिसमें ब्लूटूथ भी नहीं है दोस्तों, उसमें आप ये लगा देंगे तो काम करेगा, ब्लूटूथ वो हो जाएगा दोस्तों। तो अब क्या करना है दोस्तों, इसमें देखिए दोस्तों, इसमें जो है पाँच कनेक्शन दिया हुआ रहता है, एक रहता है लेफ्ट ऑडियो, एक राइट ऑडियो, एक ग्राउंड, एक दोस्तों 5 वोल्ट लेता है, एक ग्राउंड होता है। तो दोस्तों इसका कनेक्शन क्या कैसे करेंगे दोस्तों, तो आप देख लें। तो करना क्या दोस्तों कि इसका पैनल का दोस्तों 5 वोल्ट जो जिसमें जाता है, उसका कनेक्शन काट देना है। देखिए दोस्तों, तो 5 वोल्ट का कनेक्शन दोस्तों, आपका 5 वोल्ट का कनेक्शन ये दोनों, ये ग्राउंड है दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा, ये ग्राउंड है और ये जो है दोस्तों, ये 5 वोल्ट है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों जो सप्लाई नहीं आएगा तो ये तो वर्क नहीं करेगा, तो इसको काट देना है दोस्तों। आप कस्टमर से पहले पूछ ले कि आप मेमोरी कार्ड से बजाते हो, मेमोरी कार्ड से बजाते हो तो दोस्तों आप पैनल भी लगा सकते हैं, नहीं तो ये मतलब चीप एंड बेस्ट में आपके लिए बेस्ट रहेगा ये दोस्तों। ब्लूटूथ आज के डेट में लोग ब्लूटूथ यूज़ करता है, और कस्टमर से मैंने पूछ लिया, बोला कि नहीं हमको सिर्फ ब्लूटूथ चाहिए दोस्तों, चाहिए। तो दोस्तों क्या करना है, इसको 5 वोल्ट कनेक्शन काट देना है, तो इसमें लाइन आना बंद हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये जो दोस्तों 5 वोल्ट कनेक्शन मैंने क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो दोस्तों हम इसका प्रिंट में जंपर किए हुए थे दोस्तों, ये जंपर था तो जंपर को हटा दिया मैंने दोस्तों। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है दोस्तों, ऐसा बीमारी अगर आपके पास आए तो आप इस बीमारी को फेस कर सकते हैं, दिक्कत नहीं होगा आपको। तो दोस्तों 5 वोल्ट कनेक्शन काट दिया दोस्तों, आप इसमें 5 वोल्ट नहीं जाएगा तो वर्क तो नहीं करेगा दोस्तों। अब क्या करना है दोस्तों, अब 5 वोल्ट कनेक्शन तो समझ में आ गया, अब ऑडियो जो लेफ्ट राइट ऑडियो होगा दोस्तों, तो ऑडियो लेफ्ट राइट ऑडियो दोस्तों आपको पता है दोस्तों, वॉल्यूम से जो दोस्तों, देखिए दोस्तों ये दोनों जो दोस्तों, ये जो आउटपुट वॉल्यूम इसमें आएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों ये दोनों कनेक्शन दोस्तों, यहाँ से जब टेस्ट किए हैं दोस्तों तो ये दोनों में आता है, एक इसका फर्स्ट में इस और एक इसका लास्ट थर्ड वाला में, बीच में एक ग्राउंड है। तो दोस्तों ये लेफ्ट है ऑडियो, ये ग्राउंड, ये राइट ऑडियो, यहाँ भी लिखा हुआ है दोस्तों R L दिया हुआ, आई थिंक मिट गया है तो पता नहीं चल रहा है, तो ऐसे हम जान रहे दोस्तों, टेस्ट भी कर चुके हैं। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, बस कनेक्शन करना है और चेक करना है कि बसता है कि नहीं, अच्छा वर्क करता है कि नहीं। तो दोस्तों इसमें देखिए दोस्तों, BCC लिखा हुआ है दोस्तों, इसमें क्या है दोस्तों, BCC लिखा हुआ है दोस्तों, तो ये आपका ये 5 वोल्ट है, ये ब्लैक ग्राउंड है, तो इसमें क्या करना है दोस्तों, 5 वोल्ट इसमें डाल देना है। तो 5 वोल्ट का कनेक्शन दोस्तों यहाँ आया है, तो ये 5 वोल्ट इसमें डाल दिया मैंने, और ग्राउंड जो है ये इसमें डाल दिया मैंने। अब क्या करना है दोस्तों, 5 वोल्ट ग्राउंड तो मैंने डाल दिया है, अब लेफ्ट राइट ऑडियो जो डाल करना है दोस्तों, तो ये बीच वाला ग्राउंड है दोस्तों, तो ग्राउंड दोस्तों आप ग्राउंड कहीं से भी ले सकते हैं दोस्तों, ग्राउंड आपका ये भी है, ये भी आपका ग्राउंड है, ये ग्राउंड है दोस्तों, ये लेफ्ट राइट ऑडियो दोस्तों। तो क्या करना है,
देखिए दोस्तों ये जो है आपका ये हो चुका है। तो दोस्तों ये तो हो चुका है दोस्तों, अब इसमें जो है लाइन देना है दोस्तों और चेक करना है कि दोस्तों आप बज रहा है कि नहीं। पहले तो दोस्तों होम थिएटर बॉक्स भी बजाते थे, कार्डियोड पेन ड्राइव कुछ से भी लगाते दोस्तों काम नहीं करता था क्योंकि इसका पैनल ही शॉर्ट था तो कुछ काम नहीं करेगा। तो अब कनेक्ट करके दोस्तों मोबाइल से देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं। मोबाइल फिलहाल ऑफ है, इसको ऑन करके कनेक्ट करके देखते हैं। तो दोस्तों इसको हम दोस्तों कनेक्ट कर रहे हैं, रिफ्रेश करते हैं, सर्च ले रहा है दोस्तों। अब इसको मोड उठ के कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों क्योंकि उसका लाइन तो कट कर दिए हैं तो उससे कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये देखिए दोस्तों ये सर्च ले लिया दोस्तों, ब्लूटूथ 3.0 BT। तो इसको कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्ट ले रहा है। तो दोस्तों फिलहाल मैंने कनेक्ट कर लिया दोस्तों और कोई सॉन्ग जो है बजा के देखते हैं बजता है क्या नहीं। तो दोस्तों स्पीकर लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों ये आपका, देखिए दोस्तों ये आपका वॉल्यूम सभी काम कर रहा है। देखिए दोस्तों ये बास भी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।